तो अगर आपके भी घर में कुछ बेकार कपड़े पड़े हैं तो उन्हें फेंकना मत, आप उनसे बना सकते हैं काफी सारी चीजें। मेरे पास भी ये कुछ ऐसे बेकार कपड़े पड़े हैं, यूज्ड और अनयूज्ड दोनों। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है प्रीति और आप मुझे देख रहे हैं आई तावी पर। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कुछ पुराने कपड़ों से कुछ नया बनाया जाए। तो उनसे बनाते हैं कुशन अपने सोफे को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बेकार कपड़े तो लगभग सभी के घरों में पड़े होते हैं। यूज्ड और अनयूज्ड हम इन्हें दोनों तरह के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बनियान है तो ये फट चुकी है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो कपड़े आप रिटायर्ड कर चुके हों आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। या आपके घर में कुछ कतरने पड़ी हों आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप कपड़े लें, कोई भी कपड़ा लें और उसको छोटा छोटा कट कर दें। आप इसको छोटा छोटा कट करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप जब इसे कुशन्स में फिल करेंगे तो ये गांठें नहीं बनती इसकी, ये अच्छे से फैल जाता है कुशन में। इस तरह से आप उनको छोटा छोटा काट लें या इससे थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं। इस तरह से आप इनको कट कर लें काफ़ी सारे, जितने भी आपको क्वांटिटी में चाहिए आप उतने कट कर लें। अब जो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनकी किनारियाँ थोड़ी मोटी होती हैं, या आपने कोई चेन वाला कपड़ा लिया है, हुक्स वाला कपड़ा लिया है, तो उन सबको आप पहले निकाल दें ताकि वो चुभे नहीं। इस तरह से आप पार्ट्स को निकाल दें। अब जितना चौड़ा और जितना बड़ा आपको कुशन बनाना है आप किसी कुशन के साइज से उसका साइज़ ले लें और एक कपड़ा कट कर लें उसी साइज़ का, लिहाफ जिसको बोलते हैं। आप इसके अंदर सारी कतरन को डालेंगे तो आप इस तरह से पहले उसको कट कर लें और उसको तीन साइड से सिल दें। जैसे हम किसी चीज़ का पिलोज का या किसी चीज़ का कवर बनाते हैं उस तरह से, फिर इसको सीधा करके और जो भी हमने कट किए थे छोटे छोटे कपड़े वो सब इसके अंदर हम डाल के और अच्छे से फैला देंगे। तो अब आप इसे सुई की मदद से या फिर सिलाई की मदद से भी बंद कर सकते हैं, आप इसको सिल दें इस तरह से। तो अब ये चारों तरफ से बंद हो जाएगा। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा फ्लफी सा बन गया है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल कुशन्स होते हैं उसके जैसा। अच्छे से इसको आप एक बार दबा दें ताकि जो कपड़े जहाँ जाने हो वहाँ निकल जाएं। और ये दोनों कुशन्स को हाथ लगाने में बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कौन सा घर पर बनाया है और कौन सा रेडीमेड है। तो इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया था जिसका मैं कवर बनाऊंगी। तो ये कवर बनाने के लिए कपड़ा इतना नहीं था कि दोनों साइड के लिए बन पाए, तो मैं इसमें फ्रंट की साइड में तो ये वाला कपड़ा लगाऊंगी और बैक की साइड में कोई और कपड़ा लगाऊंगी। और ये 1 मीटर कपड़ा था तो इसमें खाली 4 ही निकल पाते, इसलिए मैंने एक और ये कपड़ा लिया था इसी के मैचिंग, ताकि वो दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट मैच हो सके। तो 2 पिलो कवर मैं उससे निकालूंगी।
तो अब मैं इनको भी पिलो अपने कुशन कवर्स के साइज के अकॉर्डिंग कट कर दूंगी। तो मैंने इसको चार अलग अलग पार्ट्स में कर लिया है, क्योंकि चार के चार जो कुशन्स कवर हैं उनका फ्रंट साइड यही रहेगा और बाकी दो का अलग रहेगा, और इन छः के छः कवर्स का जो बैक साइड है वो अलग से बनेगा। तो अब मैं दो ये भी निकाल दूंगी फ्रंट फ्रंट के लिए ही, इस तरह से। ये देखिए, तो अब इनका बैक साइड से कवर बनाने के लिए मैंने एक शर्ट का कपड़ा लिया है, या कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। तो ये जो कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई है वो तो हम उतनी ही रखेंगे जितनी कुशन कवर की है, लेकिन जो लंबाई है वो उससे थोड़ी सी छोटी रखेंगे। तो इसी हिसाब से अब जैसे छः कुशन्स हैं तो उसके लिए हम 12 कट करेंगे, क्योंकि जो बैक साइड से इसको हम लगाते हैं उसको हम दो पार्ट्स में लगाते हैं। तो छः मैंने ये अलग कट किए हैं और छः अलग कट किए हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल सेम कपड़ा एक जैसा नहीं था। और मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि बैक के लिए अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं है तो भी आप अलग अलग कपड़े से बना सकते हैं, बस उनका थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट एक जैसा होना चाहिए, सेम थोड़े से पैटर्न और कलर्स मैच करें, और एक कपड़ा ना भी हो तो भी चलता है। या अगर आप अलग अलग कपड़े से भी बनाना चाहें तो उसका भी अगर आप कॉम्बिनेशन बना सकें तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो अब जो लेंथ वाली साइड जो थोड़ी कम है, यहाँ से हम इसको दोनों को फोल्ड करेंगे, सिर्फ एक यही साइड फोल्ड करनी है अभी, इस तरह से। ऐसे ही सारे जो ये हमने 12 कट किए हैं बैक साइड के लिए उनको सबको सिल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, और शेयर करें, कमेंट्स करें। तो कुशन कवर का बैक साइड तैयार करने के बाद हम इसको पूरा तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो फ्रंट साइड वाला था उसको आप इस तरह से रखें सीधा, और सीधी वाली साइड को नीचे रखते हुए, जो ये सिलाई वाली साइड है ये ऊपर आएगी, इस तरह से आप पहले इसे नीचे से जॉइंट करें और फिर दूसरा वाला पार्ट ऊपर से। इनके बीच में थोड़ा गैप आएगा इसीलिए थोड़ा छोटे बड़े करवाए थे, इस तरह से आप इसको ऊपर से मैच करते हुए रखेंगे। और आप ऐसे एक बार सारे लगा लगा कर रख लें ताकि एक ही बार आप सिलाई करने बैठें, और इसके चारों कॉर्नर्स पर यहाँ पर सिलाई होगी। तो मैंने भी ये सारे पहले जॉइंट कर कर के रख दिए थे ताकि मैं एक ही बार रुक कर सारे में सिलाई कर दूँ। आप इसको रखते हुए ना बिल्कुल ध्यान रखें कि आप इनको इसी तरह रखें, और सीधे के ऊपर सीधा रखना है इस चीज़ का भी ध्यान रखें, यानी कि दोनों जो उल्टी वाली साइड्स हैं वो बाहर आएं, इधर से भी और उधर से भी, नीचे वाली साइड से भी। ऐसे ये वाले भी कर लेंगे।
तो सारे एक साथ रखने के बाद एक ही बार मैंने इन पे सिलाई की थी सब पर, तो ये थोड़ा जल्दी हो गया था। तो ये देखिए ये सारे बन गए हैं, इन सब पर सिलाई लग चुकी है। अब इसके अंदर हम कुशन्स को डालेंगे, तो आप इसको पहले सीधा कर लें, और आप इसको हाफ सीधा करके भी डाल सकते हैं और पूरा सीधा करके भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक बार डाल के दिखाती हूँ कि आप इसके अंदर कुशन्स को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो आप एक तरफ से इसको पहले डालें और फिर जो दूसरी वाली साइड थी उसको निकालते हुए ऊपर की साइड इसको फिट कर दें आप इसके कवर के अंदर इस तरह से। तो ये देखिए कवर भी बन गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे कुशन्स पर कवर चढ़ा दूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये बनकर तैयार हैं और आप इन्हें किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप रखना चाहें। आप दो को एक साथ भी रख सकते हैं, या एक ऐसा और एक वैसा भी रख सकते हैं, या फिर सेंटर में अलग प्रिंट वाले और साइड में अलग प्रिंट वाले, इस तरह भी रख सकते हैं। आप जैसे चाहें इसको रख सकते हैं। मैंने इनको कुछ इस तरह से रखा है, ये देखिए। और इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।